नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बॉन्साई फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये एक पिटूनिया का प्लांट मैं लेके आया था नर्सरी से। बहुत से कलर में ये वैसे आता है, लेकिन मैं यही कलर लेके आया हूं एक, क्योंकि मैं बाकी प्लांट भी लेके आया था तो एक ही कलर का मैं लेके आया हूं। तो आज हम इसको पोट करेंगे इस छोटे से प्लास्टिक के पोट के अंदर और जानेंगे कैसे इसकी हम केयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको पोट करते हैं, फिर इसकी केयर के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले जब आप नर्सरी से प्लांट लाते हैं तो लाते ही उसको रिपोर्ट ना करें, उसको दो तीन दिन के लिए आप अपने प्लांटों के बीच में ऐसे ही पॉलीबैग के अंदर रख दें। उसके बाद आप इसको इवनिंग के टाइम पर रिपोर्ट करें, ना कि दोपहर में या सुबह जब धूप निकल जाए तब। तो इवनिंग का टाइम बेस्ट है, इवनिंग के टाइम पर इसको रिपोर्ट कीजिए। रिपोर्ट करने से पहले ये ध्यान रख लिया, आपका जो सोइल जो बिल्कुल ड्राई ना हो, उसमें हल्की नमी होना ज़रूरी है। प्लांट को निकालने से पहले एक चीज़ का और ध्यान रखें कि आपका सोइल जो है वो पहले से आप तैयार रखें, ये नहीं कि आप बाद में तैयार करें, तब तक प्लांट की जो रूट्स है वो सूख जाएगी। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि मैंने जो है सोइल पहले से सोइल मिक्स जो वो तैयार कर रखा है, आपको बता देता हूँ। देखिए, एक पार्ट जो है आप अपने गार्डन सोइल का ले लीजिए, एक पार्ट गार्डन सोइल का ले लीजिए और एक पार्ट जो है जो कंपोस्ट है वो ले लीजिए। दोनों को मिक्स कर लीजिए अच्छे से और इसको यूज़ कीजिए, क्योंकि इसको खाद की बहुत ज़रूरत होती है फूलों के प्लांटों को। तो ये मिक्स करके अच्छे से इसको आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए, अब जो प्लांट है इसको निकालते हैं। प्लांट को निकालने का सबसे अच्छा तरीका, जो मैं आपको पहले भी काफ़ी बार बता चुका हूँ, प्लांट का जो पॉलीबैग है इसको इस तरह से पकड़िए यहाँ से, और प्लांट को केयरफुली आप, ये नहीं कि प्लांट को ही तोड़ दें, तो प्लांट की रूट बॉल पे हाथ लगाना होगा थोड़ा सा इस तरह से, और हल्के हल्के जो है पॉलीथीन को इस तरह से पीछे की तरफ खींच ले, ये देखिए। तो इस तरह से जो प्लांट है वो आपका आ जाएगा। ये देखिए, रूट बाल के साथ जो है प्लांट हमारा बाहर आ गया है। अब हम इसको पोट करेंगे इसके अंदर। तो इसमें हम थोड़ा सा सोइल पहले का जो है वो ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा हमारा जो सोइल मिक्स है पहले वो ऐड करेंगे। उसके बाद जो है इसके रूट बाल को डैमेज किए बिना ही मैं इसको ऐसे लगा दूंगा, क्योंकि इसके जो रूट्स जो है वो यहाँ पे आ गई है बाहर। तो अगर आपके प्लांट के रूट बाल पर जो रूट्स है तो आप उसको लगा सकते हैं। अभी मैं इसकी जो रूट बाल, इसका नीचे का हिस्सा थोड़ा सा निकाल दूंगा, क्योंकि पोट हमारा थोड़ा छोटा है। दोस्तों, कमाल की बात ये है कि ये जो नर्सरी प्लांट जो आया है, इसके अंदर भी जो सोइल है वो रिवर सैंड का इन्होंने यूज़ किया हुआ है। ये देखिए, रिवर सैंड है। तो आपका सोइल जो है वो सैंडी सोइल होना चाहिए, यानी कि वेल ड्रेन सोइल होना चाहिए, अदरवाइज आपका प्लांट जो है वो ख़राब हो सकता है। अब हम जो प्लांट है इसको इस तरह से पोट में रख देते हैं। प्लांट को थोड़ा सीधा करके रखिए इस तरह से, अब ठीक है। अब इसके अंदर जो बाकी का सोइल है वो हम ऐड कर देंगे। तो प्लांट हमने पोट कर दिया है, अब इसके अंदर वाटरिंग कर देंगे। अब बात करें कि इसकी केयर हम कैसे कर सकते हैं। तो देख, पिटूनिया के सोइल की बात करें तो पिटूनिया को जो है वेल ड्रेन सोइल पसंद है, जिसके अंदर अच्छी कंपोस्ट हो, यानी कि आप 50-50 आप इसका जो रेशियो रख सकते हैं कंपोस्ट और सोइल का। वाटरिंग की बात करें तो पानी इसको आप रेगुलर दे सकते हैं, लेकिन ओवर वाटरिंग ना करें, अदरवाइज इसकी जो लीव्स है नीचे के वो सारे सड़ जाएंगे। इसको आप कहाँ पे रखना है आपको, सर्दियों में तो आप इसको फुल सनलाइट में रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फरवरी के बाद क्या है, गर्मियाँ तेज़ होने लगती है, उस टाइम पर इनको प्रॉब्लम होती है तेज़ धूप से। तो उस टाइम पर आप इसको फुल सनलाइट से बचाएँ, इसको सिर्फ 11-12 बजे तक की धूप है वो ही दें। बात करें डेड हेडिंग की, तो डेड हेडिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे ही फूल खिल चुका हो उसकी, जैसे कि ये फूल खिल चुका है, तो सिर्फ फूल को यहाँ से रिमूव नहीं करना है सूखे को, ये जो ब्रांच है इसकी, ये जो पत्तियाँ दिख रही है ये यहीं से कट कर दें, फिर नीचे से नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और जो फूल है वो नया आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप पिटूनिया केयर करते रहेंगे तो आपका पिटूनिया जो है वो काफ़ी टाइम तक चलेगा। पिटूनिया एक ऐसा फूल है जो एक बार अगर आपने पॉट में लगा लिया और अच्छे से खाद दी है तो पूरा आपका पॉट जो है वो फूलों से भर जाएगा, और ये मार्च अप्रैल तक जो है फ्लोरिंग करता रहता है, और आप पे डिपेंड है, अगर आप और अच्छे से केयर करेंगे तो और भी ज़्यादा टाइम तक ये चल सकते हैं। और ये बहुत से कलर के आते हैं, रंग बिरंगे भी आते हैं, यानी कि एक फूल में काफ़ी कलर होते हैं। इसको हैंगिंग पॉट में मोस्टली यूज़ किया जाता है, हैंगिंग पॉट इसका बहुत ही खूबसूरत लगता है, तो हैंगिंग पॉट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पिटूनिया को आप चाहे तो अपने गार्डन की जो बाउंड्री है वहाँ पर भी लगा सकते हैं, उसमें भी काफ़ी खूबसूरत लगते हैं।
एक बार इसका प्लांट अगर आपने अच्छे से ग्रो कर लिया तो आप इसके सीड्स भी कलेक्ट कर सकते हैं और इसको नेक्स्ट टाइम सीड्स से ग्रो कर सकते हैं। तो बस ये एक छोटा सा वीडियो था, आपको बताना था कि पिटूनिया आप कैसे लगा सकते हैं नर्सरी से लाने के बाद। नर्सरी से लाने के बाद खासकर प्लांटों की थोड़ी सी केयर करनी होती है, अदरवाइज प्लांट हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।